मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एमवीआईसी मैथ्स एंड फिजिक्स। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि एक दिए गए वृत्त के अंदर आपको जो महत्तम आयतन का शंकु बनेगा वो सिद्ध करना, उसका आयतन, इसके वृत्त के जो आयतन का होगा, वृत्त है गोला है, देख लीजिए क्वेश्चन, हाँ, जो शंकु का आयतन होगा वो गोले का आयतन का 8/27 होगा, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करें, देखो कि ये जो शंकु बनाया और ये त्रिज्या दी हुई है गोले की, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर दी हुई है, कांस्टेंट है, ठीक। हमने माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है, तो अगर हम ये ओसी निकाले तो कितनी निकलेगी बताइए, ये निकलेगी h-r निकलेगी। अब इसकी रेडियस स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर रेडियस, शंकु की त्रिज्या एसी, एसी कैसे निकालोगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस ये जो लंब निकला हुआ है h माइनस r का होला स्क्वायर, समझ पाए। अब हमको इसका आयतन निकाल लेना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा यहां पर ना, बचेगा आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल आर स्क्वायर, ये बचेगा, ये आर स्क्वायर हो गया और ये एच रख दिया। अब इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं, केवल एक है एच, आर कांस्टेंट है, पाई बाई थ्री आर स्क्वायर माइनस, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का हो रहा तो प्लस का हो जाएगा 2hr, यहाँ पर ये h लिखा हुआ, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 5/3 h से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का h क्यूब और प्लस का 2rh स्क्वायर। अब अगेन डिफरेंस, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, dv अपॉन dh, h के रिस्पेक्ट में, पाई बाय 3 यहां पर हो जाएगा माइनस का 3h स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 4r और h, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2v अपॉन dh2 इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस 6h और प्लस का 4r, ये हो जाएगा ना, पर मैक्सिमा और मिनिमा, या आप कहोगे आयतन के मैक्सिमम मान के लिए, आयतन के महत्तम मान के लिए dv अपॉन dh इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा पाई बाय 3 माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4rh इक्वल टू 0, ये मिलेगा। तो ये पाई बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट है, तो इसको 0 बराबर करोगे तो आ जाएगा 3h स्क्वायर बराबर 4rh, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा 4r अपॉन 3, h का मान ये निकल आया, ठीक। अब आप देखोगे h के इस मान के लिए ये मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इतने के लिए आप d2v अपॉन dx2 फाइंड करोगे तो पाई बाई 3 यहां पर ऑलरेडी है, माइनस 6 है, तो यहां पर लिखोगे 4r बाई h, 6 ये लिखा है और 4 और रखोगे तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 3 और h की जगह क्या हो गया कैपिटल आर और प्लस का यहाँ पर है 4r, ये 3 8 24, तो देखो माइनस का 8 आ रहा है प्लस का 4 आ रहा है, तो कितना माइनस का 4r बचेगा ना, तो माइनस का बचेगा 4r पाई बाय 3 एंड दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव आ गया ना, अतः h बराबर 4r बाय 3 के लिए जो आयतन होगा वो मैक्सिमम होगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ लिख लीजिए, अतः h बराबर किसके लिए 4r अपॉन 3 के लिए आयतन
उच्चतम होगा, आयतन उच्चतम होगा। अब आपको ये पता हो गया कि आयतन उच्चतम होगा, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो फिर जो इसका आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का जो दिया है 8/2 इतना होगा। तो हम फिर इसका आयतन पहले निकालें, v इक्वल टू आयतन, हम कहां पर h का मान रख देंगे, जहां सबसे छोटा आपको लग रहा है यहां पर h का मान रख दीजिए, आयतन की जो भी समीकरण है कहीं भी रख दीजिए। तो देखो ये पाई बाई थ्री बाई, ये किसका आयतन निकाल रहा है, शंकु का आयतन, ठीक है। और यहाँ पर आप रखेंगे क्या माइनस, और एच का मान रखेंगे 4r/3, तो कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा ना, प्लस 2r। यहाँ पर एच स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9/9, और आर स्क्वायर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। समझ पाए सब कुछ, या फिर आप यहाँ पर चलिए आर स्क्वायर लिख रहे ले रहे हैं, तो पाई बाई थ्री, और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो रहा है 64/27r³ प्लस ये कितना हो रहा है 32/9r³। अब ऊपर से 8 कॉमन ले लीजिए, नीचे से 27 कॉमन ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर 27 बना लीजिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो जितना हमको देखो लाना है 8/27 लाना है ना, तो 8/27 कॉमन ले लिया हमने, या चलिए 27 हम बना 8/9 कॉमन ले लो, 8/9 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ 27 है तो कितना हो जाएगा, ये 3 है तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और समझ पा रहे हैं, 9 कॉमन लिया है, यहाँ पर बच रहा है 8 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 8r³, और यहाँ पर 9 कॉमन लिया कितना बचेगा 3, प्लस यहाँ पर 8/9 लिया है तो कितना बचेगा 4r³। ये समझ पाए, ये 8/23 पाई, और यहाँ पर जरा देखिए 1/3 भी अगर कॉमन ले लिया जाए पाई बाई थ्री हो जाएगा पाई बाई थ्री। तो देखो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा माइनस का 8r³ और प्लस का यहाँ पर बच जाएगा कितना 12r³ बचेगा ना, 8/27। अब यहाँ देखिए कितना आएगा 4 बचेगा ना, तो ये बच रहा है 4/3 πr³ बचेगा कि नहीं, 8/27 4/3 πr³ ये किसका आयतन है, गोले का। तो इधर ये दिया था शंकु का आयतन वैल्यूम ऑफ कोन, और ये आया है 8/27, और ये किसका आयतन है वैल्यूम ऑफ स्फीयर गोला। तो यही प्रूफ करना था कि अगर आयतन उच्चतम होगा तो जो समय जो है जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8/27 होगा। तो समझ पाए, ये सबसे शॉर्ट मेथड है, इससे छोटा फिर अब नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम प्रश्न, देखिए प्रश्न को आपको न्यूनतम प्रूफ करना है मिनिमा प्रूफ करना है, दिए आयतन के लंब वृत्ति शंकु, और एक शंकु जिसका आयतन दिया है मतलब आयतन कांस्टेंट है, कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √3 गुनी होती है। देखिए एक शंकु है यहाँ पर, सबसे पहले ये देखा करें इसमें दिया क्या कांस्टेंट क्या है, चलो इसकी रेडियस हम मान ले रहे हैं आर है, स्मॉल आर, और इसकी हाइट कितनी है एच है, ठीक। अब कहा इसका आयतन दिया है फिक्स है, तो आयतन हम कांस्टेंट मान लेते हैं वी, वी इक्वल टू आयतन कितना हो जाएगा 1/3 πr² h। ये जो है आपको कांस्टेंट दिया है आयतन वी, वी कांस्टेंट है। अब आप न्यूनतम प्रश्न, अब इसका हम प्रश्न निकालें और उसको न्यूनतम प्रूफ करना है, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको एल निकालना पड़ेगा ना, पाई आर एल होता है, तो एल निकालोगे कितना आ जाएगा √h² + l² यह आ जाएगा। अब इसका प्रश्न निकालिए, सरफेस इसको हम एस से लिख ले रहे हैं, ठीक, हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझ पाए, अब देखिए यहाँ पर हमको कितने वेरिएबल हैं, अगर हमको आयतन फिक्स रखना है और हम चाहते हैं प्रश्न न्यूनतम हो तो हम इसको चेंज करेंगे, हाइट और रेडियस ये सब चेंज करेंगे बार बार, तो एल नहीं आर, यहाँ पर आर। तो इसमें देखिए आर और एच
यहाँ पर तीन वेरिएबल हो गए, ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, तो दोनों में से यहाँ कोई एक वेरिएबल रखना चाहिए तब हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल उपलब्ध है, देखिए R है और L है, दो है, अब एक यहाँ पर आना चाहिए, तो किस इक्वेशन, किसी इक्वेशन की आप हेल्प लीजिए। अगर यहाँ से हेल्प लेते हैं, अगर आप इसका एच का मान यहाँ से निकाल करके आर का मान निकाल के रखेंगे, यहाँ रख देंगे तो यहाँ L बना रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख रहे हैं इसका मान, L का मान रख रहे हैं, पाई आर और L की जगह कितना रख रहे हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर अंडर रूट एच, एच ऐसे रखा रहने दीजिए, आर स्क्वायर की जगह यहां से मान निकाल के रख दीजिए। तो देखिए R का, R स्क्वायर का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 3V अपॉन पाई H, ये निकलेगा ना। तो यही मान हम R स्क्वायर की यहाँ रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, पूरी क्वेश्चन हमारी हो जाएगी। अच्छा ये भी R लिखा हुआ है, ये भी R लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे नहीं करेंगे। अगर हम L में पूरी क्वेश्चन करना चाहें, L को मान ले तो यहाँ तो एच आएगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये संपूर्ण प्रश्न नहीं है, वक्र प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्शन करके, तो S इक्वल टू पाई आर एल लेना है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल आपके R है और L है, और आपको एक वेरिएबल लाना है, तो सबसे पहले L का मान ये रख दीजिए यहाँ पर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट कितना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को आपको बदल देना है आर में, तो क्या करोगे, एच की जगह वैल्यू रख दोगे निकाल करके। एच की वैल्यू देखो निकल के क्या आएगी, यहाँ पर एच का मान रखना है निकाल करके, 3V अपान पाई आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पर आप रख दीजिए एस इक्वल टू पाई आर अंडर रूट, एच की जगह लिखना है 3V अपान पाई आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर भी करना है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आप पूरी क्वेश्चन में वेरिएबल कितने हैं जान गए होंगे, पाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, एस इक्वल टू पाई आर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद बाहर क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ से बाहर निकलेगा पाई और आर स्क्वायर, समझ पाए क्या, पाई आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये जो है अंदर के बाहर जब लाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 9V स्क्वायर प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल टू ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन आर अंडर रूट 9V स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एंड आर टू दी पावर 6। इतनी बात समझ पाए हो, अब डिफरेंशिएट करना रह गया है। ये पूरी क्वेश्चन में हमको इलिमिनेट करके एक वेरिएबल लाना होता है, जितने भी यहाँ पर वेरिएबल हमने इसलिए दो माना है, एल अलग से नहीं माना, एच और आर माना है, पूरी क्वेश्चन अब आर में है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जब हमें लगता है दोनों तरफ स्क्वायर कर ले अगर, तो हमारा जो है अवकलन सरल हो जाएगा, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, और उसके बाद अगर एस का स्क्वायर हम कर रहे हैं, वो जिस मान के लिए मैक्सिमम मिनिमम होता है उसी मान के लिए एस भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो दोनों तरफ वर्क कर लीजिए, एस स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9V स्क्वायर प्लस पाई आर टू दी पावर 6, ये आ जाएगा। अब हम पाई स्क्वायर कहाँ पाई स्क्वायर, अच्छा ये अब एस स्क्वायर जिसके लिए मैक्सिमम मिनिमम होगा उसी मानों के लिए एस भी मैक्सिमम मिनिमम होता है, ठीक। तो अब एस को हम कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, माना एस स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एस सरफेस, ये भी सरफेस ही है, तो इसकी जगह हम कैपिटल एस रख देंगे, कैपिटल एस इक्वल टू इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 9V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 9V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 बचेगी, पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू 9 अपॉन v स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 अपॉन r स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, -2 आएगा ना, तो माइनस का हो जाएगा 18 अपॉन में हो जाएगा r क्यूब प्लस यहां पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r,
डी आर टू इक्वल टू ये माइनस थ्री आएगा ऊपर ना तो कितना हो जाएगा 54 प्लस का हाँ प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर अफान यहाँ पर बचेगा आर पावर फोर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ठीक है। अब कहेंगे सरफेस के मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के लिए सरफेस एस के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए हम इसको जीरो के बराबर करेंगे डी एस अपान डी आर इक्वल टू जीरो। तो इसको जब हम जीरो के बराबर करेंगे यहां से डायरेक्ट देखिए क्या बचेगा प्लस का हो जाएगा एक तरफ 18 बी स्क्वायर अपान आर क्यूब बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ठीक। यहां से आपका कैंसिल क्या होने वाला है हमको देखो इसमें मान हम रख देंगे वी स्क्वायर का तो यहाँ से हम वी स्क्वायर का मान निकाल के यहाँ पर रखेंगे देखो कुछ कटेगा 2 से कट जाएगा 9 हो जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा यहाँ से बस वही निकाल लीजिए देखो यहाँ बचा है 2 और पाई स्क्वायर और आर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आर पावर 6 अपॉन में बचेगा 9। तो वी के इस मान के वी स्क्वायर के इस मान के लिए यहाँ पर देखिए मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है जब ये पूरा पॉजिटिव मान है यहाँ भी सब पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही तो आएगा रखने के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि हम ये मान रखें यहाँ और कैलकुलेशन करके दिखाएं अगर हमको क्लियर है कि पॉजिटिव ही आएगा देखिए वी स्क्वायर बराबर 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 अपॉन 9 के लिए हम जब देख रहे हैं यहाँ भी सारे साइन पॉजिटिव हैं यहाँ भी सारे साइन पॉजिटिव हैं तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं डी टू एस अपॉन डी आर टू इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन करके दिखाओ यहाँ बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं तो आपको जब देखिए सारे साइन पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव होने का चांस ही नहीं कहीं से वहां पर तो क्या होगा पॉजिटिव आता एस महत्तम एस न्यूनतम होगा तो स्मॉल एस भी इसी मान के लिए न्यूनतम होगा क्योंकि हमने स्मॉल एन माना था ना हमको ये स्मॉल एस को बताना है मैक्सिमम मिनिमा तो जब हम स्क्वायर क्यूब कर लेते हैं तो वी स्क्वायर के जिस मान के लिए ये मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है कैपिटल एस उसी मान के लिए ये जो स्क्वायर जिसका किए वो भी मैक्सिमम तो ये क्लियर हो गया कि वी स्क्वायर बराबर इतने के लिए जो एस होगा सरफेस होगा वो न्यूनतम होगा। अब यही वी का मान हम यहाँ ये वाला वी का मान उठा करके हम यहाँ रख देंगे इसमें बस रिलेशन निकल आएगा यही पर देख लीजिए ये जो वी का मान है हम कहाँ पर रख देंगे वी की जगह यहाँ पर रखने जा रहे हैं समझिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर है 2 पाई स्क्वायर आर टू की पावर 6 अपॉन 9 यहाँ पर आ रहा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू की पावर 4 और एच स्क्वायर बराबर 2 पाई स्क्वायर आर टू की पावर 6 अपॉन 9 9 से 9 कैंसिल पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आर टू की पावर 4 से 2 पावर बची ना यहाँ तो बच रहा है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर एच इक्वल टू अंडर रूट 2 आर यही प्रूफ करना था कि जो ऊंचाई होगी शंकु की वो त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी होगी। फिर से समझा दे पूरा आपको क्या करना है H और R मान लेना है चाहे आप H और L मान सकते हैं चाहे R और L मान सकते हैं दो बारे में मान लिया तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए ठीक। तो H और R हमने शंकु की माने ऊपर लिख लोगे माना शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ये है ठीक तो ये L निकल आई त्रिज्या ऊंचाई ठीक। अब दिया है आयतन कांस्टेंट है वी कांस्टेंट तो वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए वी कांस्टेंट आ गया ठीक। अब सरफेस को मैक्सिमा मिनिमा कहा हालांकि यहाँ पर इन्होंने केवल पृष्ठ लिखा है अब केवल पृष्ठ का मतलब क्या समझा जाएगा अन्य सब जगह केवल पृष्ठ का मतलब क्या था संपूर्ण पृष्ठ ठीक है। यहाँ पर वक्र पृष्ठ है आप इंग्लिश में बुक देखेंगे वहां लिखा है कर्व्ड सरफेस ठीक है तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। अब आर और एल कॉन्स्टेंट यहाँ पर आ गया एल तो मैंने माना नहीं
एल वेरिएबल है तो एल को इलिमिनेट करके हमने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा। अब दो वेरिएबल है यहाँ पर आर और एच, एक वेरिएबल बचे बस डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अब यहाँ से हमने एच का मान निकाल करके यहाँ पर रख दिया। अब पूरी क्वेश्चन में वेरिएबल कितना होगा, केवल आर। अब जब हमको लगे कि दोनों तरफ स्क्वायर क्यूब कुछ कर लें तो हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा, तो आप कर लीजिए स्क्वायर कर दिया और उसको नया वेरिएबल कैपिटल एस मान लिया। अगर कैपिटल एस जिस मान के लिए मैक्सिमा मिनिमा होता है उसी के लिए एस भी मैक्सिमा मिनिमा होता है। आगे डिफरेंशिएट करके समझ गए होंगे क्या क्या। अब यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट करके जो यहाँ से वैल्यू ये निकालते हैं जीरो के बराबर करके, तो इसमें से चाहे जिसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हो आप, वी स्क्वायर भी रख सकते हो, आर स्क्वायर भी रख सकते हो, यहाँ तक पाई की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पर रख सकते हो। उसके लिए चेक कर लो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। फिर जो ये आता है मान जिसके लिए मैक्सिमा मिनिमा होता है, इसकी और इसकी हेल्प से ही लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है, आर एच में किसी में रिलेशन निकलता है, तो यहीं से निकलता है कि जिसके लिए क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया मिनिमा हो गया प्रश्न, इसके लिए मिनिमा हो गया, तो इसको इसको हल कर लीजिए तो आपका रिलेशन जो होगा वो निकल के आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिरक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु। अब देखिए शंकु में क्या दिया है, तिरक ऊंचाई दी हुई है मीन्स कॉन्स्टेंट है। एक शंकु बनाना है आपको जिसकी तिर्यक ऊंचाई कांस्टेंट है, एल नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है, और आयतन महत्तम होना चाहिए। आपसे कह दिया जाए कि एल रखना है 20 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन बनाओगे महत्तम हो तो आप क्या क्या चेंज करोगे, रेडियस चेंज करोगे और हाइट चेंज करोगे। बार बार रेडियस हाइट को कहीं इसको ऐसे फैला के देखोगे, कहीं ऐसे करके देखोगे, एल बदलना नहीं है, एल नहीं बदलना, एल इतनी है, इतनी बड़ी दो छड़े हैं, और इसको कहीं ऐसे करोगे कहीं ऐसे करोगे तो क्या बदलेगी, हाइट और रेडियस बदलेगी। और आपको आयतन क्या करना है, महत्तम आयतन करना है। अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स अंडर रूट टू होगा, तो इसमें जो है ये अर्धशीर्ष की कोण हुआ, इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, ठीक। अब आयतन महत्तम प्रूव करना है तो पहले इसकी एच तो निकालिए, एच अगर निकालना है, ये कोण अल्फा है, ये क्या होगी कर्ण होगी ना, तो आप ए को निकालिए, ये एच हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई माना एच और त्रिज्या आर है, तो एच कैसे निकलेगी देखो, एच और आर निकाल लो एल के फॉर्म में, क्योंकि एल क्या है कांस्टेंट है, तो आप लगाओगे ये कर्ण और ये लंब साइन थीटा, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आर इक्वल टू आ गई एल साइन अल्फा। अल्फा करो या थीटा करो, चलो थीटा ज्यादा वेरिएबल अच्छा समझ में आता है थीटा। एक अब ये किसमें, त्रिभुज ए ओ बी में, अब त्रिभुज ए ओ बी में कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण अर्थात एच अपान एल, तो एच होगा एल कॉस थीटा, समझ पाए। अब आयतन महत्तम होना चाहिए तो शंकु का आयतन निकालिए वी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच लिखिए हो जाएगा एल कॉस थीटा, वी इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, एल क्या है कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब आपको केवल डिफरेंशिएट करना रह गया है इसको, ठीक, तो डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और कॉस का क्या जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस को एज इट इज रखा आपने और इसका किया तो टू साइन थीटा और कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन जितना बड़ा हो कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा पाई एल क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पर आप टू कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिए और अगेन डिफरेंशिएट कर लोगे, अगेन डिफरेंशिएट इसको चलो हम कर ही दे रहे हैं, डी टू वी अपॉन डी थीटा टू इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, इसका करोगे क्या आ जाएगा माइनस है थ्री एंड कॉस थीटा, ये हो जाएगा
प्लस टू इसका घर कॉस स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट आ गया जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस टू कितने का है प्लस साइन थीटा ऐसे रहा और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर टू कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? सर फोर हो जाएगा सर, तू बाहर लिखा है सही है सर कुछ सर। अब अंदर मल्टीप्लाई इसको कर दे तो 1/3 πL³ माइनस का दूसरे फोर हो जाएगा सर। यहां पे सर यार सही बात कर रहे हो सर, पहले चलो लिख के चलो लिख थीटा और यहां पर हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा सही। अब हम क्या करेंगे इसको जीरो के बराबर करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। चलो जो भी स्पेस है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम इसको जीरो के बराबर करेंगे डीवी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से ये स्टेप देखिए माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम इक्वल का चिन्ह यहाँ पर लगा ले ये प्लस हो जाएगा ना सर। अब ये साइन से ये कैंसिल होकर के स्क्वायर बचेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ इसके बटे में ले आइए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू हो जाएगा, तो यहाँ से जब थीटा निकालोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट टू। देखो पहले स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट हो जाएगा थीटा इक्वल टू। अब आपको लेकिन चेक करना है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर टू है, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या निकल रहा है देखो पहले tan थीटा आपको हम बता दें, यहाँ से tan थीटा बराबर निकल रहा है अंडर रूट, तो tan थीटा का मान अंडर रूट टू है, तो आपको sin और cos थीटा के मान निकाल लेने हैं, यहाँ से निकाल लोगे इफ tan थीटा इक्वल टू टू तो sin और cos थीटा के मान निकाल लेना और वे मान यहाँ पर रख देना sin cos थीटा की जगह, तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा। ये तो कर लोगे इतना कि अगर मैंने tan थीटा का मान ये निकाल दिया है और tan का किसी अंश पर तो ये होता नहीं अंडर रूट 2 किसी अंश पर होता है नहीं होता है, तो आपको करना क्या है sin थीटा cos थीटा को निकाल के सारी यहां पुट अप कर देना है, ये d2y में d थीटा क्या आ जाएगा नेगेटिव, तब तो आयतन मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा ही तो प्रूव करना था। तो जब ये नेगेटिव आ जाए तो कह देना tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 के लिए आयतन क्या है मैक्सिमा है, और बस यहीं से एंगल निकल आएगा तो थीटा बराबर ये एंगल कितना आ जाएगा tan इनवर्स। समझ पाए बात, फिर से एक बार समझिएगा पूरा वीडियो देख करके कि हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू जो निकालना है नेगेटिव वो यहाँ से निकलेगी tan थीटा बराबर इतने, तो tan थीटा लंब बटे आधा भाई जो नाइन्थ में करते थे ठीक है, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट अप कर दीजिए।